हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डू कुक में। तो मैं आज आपके लिए उत्तराखंड की दो ट्रेडिशनल रेसिपीज लेकर आई हूँ। काफल की चटनी जिसको कफलेनी कहते हैं, बाड़ी जिसे साउथ इंडिया में रागी मुड्डे कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं काफल की कफलेनी और बाड़ी। बनाने से पहले इसकी सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले काफल जिसे बेबेरी कहते हैं, फिर रागी का आटा जिसे मंडवा कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिलवट्टा लिया है क्योंकि जो काफल की चटनी है वो हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे जैसे उत्तराखंड में बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने काफल का पूरा एक बड़ा बाउल ले लिया है। अब उसको हमें थोड़ा थोड़ा करके सिलवट्टे में रखना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पीस लेना है ताकि जो इसका जूस है वो निकल जाए। आप चाहे तो उसका जूस निकालने के लिए और भी तरीके अपना सकते हैं, जैसे आप छानते हैं ना छन्नी से, तो उसमें आप इसको मैश कर सकते हैं तो इसका जूस निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हल्के हाथों से पीस लिया है। जब थोड़ा सा पीस लेने के बाद इसको हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। इसी प्रकार हमें पूरा बाउल जो काफल का है उसका जूस निकाल लेना है ऐसे करके। अब इन सब काफल को पीस लेने के बाद अब इसमें हम एक गिलास पानी डाल लेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसको हम छान लेंगे। उसके लिए हम एक बड़ी छन्नी लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसको छान लेंगे। इससे क्या होगा कि जूस और जो बीज है वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जूस निकाल लिया है और बीज अलग हो गए हैं। आपको भी इसी प्रकार करना है। अब हम इसमें मिला देंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें मिला देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो ये बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको किनारे रख लेंगे और रागी मुड्डे की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने एक भारी तले वाली कढ़ाई ली है। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है और इसमें डाला है मैंने 2 गिलास पानी। पानी गर्म हो जाए तो रागी के आटे को कढ़ाई में डालते रहें थोड़ा थोड़ा करके और बेलन को लगातार आपको चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और उसके बाद आपको आँच को मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको धीरे धीरे करके आटे को डाल रही हूँ। अब जब ये वाला मिश्रण उबलने लगे तो आँच को कम कर दे और बचा हुआ जो रागी है, रागी का आटा है, वो चम्मच से धीरे धीरे करके डालते रहे ताकि इसमें गांठें ना बने। तो रागी हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ये कैल्शियम से भरपूर है, उच्च फाइबर पाया जाता है इसमें। यह एनीमिया से लड़ता है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। अब बेलन से इसको और ज़्यादा चलाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और ये बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा लेना है और हाथ पे आपको ऑयल लगा लेना है
और इसको गोलाकार दे देना है। तो ये बनकर एकदम रेडी हो जाएगा और आप इसे काफुल की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ग्रेवी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आपको इसको चबाना नहीं है बल्कि निगलना है। आप इसे छोटे छोटे गोले बनाकर काफल की चटनी के साथ मिलाकर और निगल जाए, इसको खाने का यही तरीका है। तो फ्रेंड्स, काफल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साथ साथ इसमें कई गुण पाए जाते हैं। और ये फल उत्तराखंड में गर्मियों के मौसम में होता है और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। जब भी आप उत्तराखंड जाएं गर्मियों में तो इस फल को ट्राई करना ना भूलें। तो आई होप गाइस आपको ये उत्तराखंड की ट्रेडिशनल रेसिपीज अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह मैं आपके लिए और भी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।